बेटियों की अपेक्षाकृत बेटे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या हुई। हिंदुस्तान में जनसंख्या के अनुपात में बेटियां कम हैं और बेटे ज्यादा है, कई कुंवारे घूम रहे हैं। कुछ लोग आते हैं हमारे पास कि महाराज हमारे को भी साधु बनना है। उनको पूछे क्यों भाई, वैराग जग गया? कहा नहीं बाबा जी, अब ब्याह तो ब्यो को नहीं, 45 से अबव हो गए, अब कोई संभावना भी नहीं दिखती, आप ही ले जाओ साथ में भजन करेंगे। अरे ब्याह नहीं हुआ इसलिए भजन करेंगे, उससे तो भजन होंगे भी नहीं, क्योंकि अभिलाषा अगर अंदर ब्याह की रही और बाद में भजन कोशिश की तो वो भजन नहीं होंगे भाई। हलवा खाने की इच्छा तो एक बार खा के छूट पड़ो तब भजन करो तो होगा, मन में हलवा चल रहा है और हाथ में माला है तो बैठेगा नहीं मामला। कई तो खरीद के लाते हैं उधर छत्तीसगढ़ से और दक्षिण से, 5-5 लाख में, 10-10 लाख में, और वो खरीद के लाने वाली 7 दिन बाद 2-4 तोला सोना लेके और गायब भी हो जाती है। कई केस सुने हमने तो। इसलिए आप जितने भी नौजवान इस सभा में बैठे हो, आपको ऐसी पत्नी नहीं मिले उसके लिए एक सावधानी पूर्वक बात बता रहा हूं, वो सुन लो। अच्छी पत्नी प्राप्त हो। माताओं आप भी सुनना, अपने अपने बेटों को बताना, क्योंकि बींदनी अगर खतरनाक आई तो पगरी जगह गलो दबावेली। अच्छी पत्नी कहते किसे हैं पहले तो यह समझ लो, क्योंकि कई लोगों को अभी यह भी ठीक से पता नहीं कि अच्छी पत्नी का अर्थ क्या है। मेरा अर्थ डिग्री, डिप्लोमा या डिजाइन से नहीं है। रूप रंग सबको भगवान अलग अलग देता है और रूप रंग से कोई विशेष लाभ भी नहीं है। तो वापस मूल बात पर ला रहा हूं कि अच्छी पत्नी का मतलब डिग्री, डिप्लोमा या डिजाइन से नहीं है। अच्छी पत्नी का मतलब नारी विवाह के बाद अपने पति को पुरुष बना रहने दे, पशु नहीं बना दे। अब आप सोचोगे कि विवाह के बाद कोई पुरुष पशु कैसे बन जाता है, मैंने तो कईयों को देखा है, और आप भी बताओ तो आपको परिचय दे दूं। सुन लीजिए, किसी घोंसले में चिड़िया के छोटे बच्चों को देखना, उन बच्चों को भूख लगती है लेकिन पंख नहीं होते, उड़ नहीं सकते, तो केवल घोंसले में बैठे बैठे ची 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 की आवाज करते हैं। तब उनकी माँ इधर उधर फुदक फुदक करके दाने इकट्ठे करके लाती है, उन बच्चों के मुख में देती है। थोड़े दिनों में वो बच्चे बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद जब पंख आते हैं तो फड़फड़ा करके उड़ जाते हैं, फिर वो जिंदगी में कभी अपनी माँ के लिए कोई दाना ढूंढ के नहीं लाते हैं। कुत्ते देखे होंगे, छोटे छोटे कुतिया के बच्चे, एक कुतिया के 8-10 बच्चे होते हैं, उन सब बच्चों को वो कुतिया दूध पिलाती है, लेकिन जैसे ही वो कुतिया के बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं फिर वो अपनी मस्ती में मस्त हो जाते हैं, फिर अपनी माँ के लिए कोई रोटी का टुकड़ा ढूंढ के नहीं लाते हैं। यह जानवरों वाली परंपरा, माता पिता का खाया लेकिन बाद में कुछ नहीं लौटाया। अब मान लो आपके पुत्र को कोई हाईटेक लेडी मिल गई, फेसबुक ट्विटर हैंडल करने वाली पत्नी रूप में, और वो शादी के 15 दिन बाद ही चुटकी बजा दे कि मेरे तो तेरे माँ बाप के साथ ट्यूनिंग बैठती नहीं, भीनमाल में या सिरोही में बंगला लो तो रहूं, नहीं तो जा रही हूं, क्या करोगे? छोड़ना पड़ेगा माँ बाप को। आप नहीं भी छोड़ना चाहोगे तो मजबूरी में माँ बाप खुद ही कह देंगे कि बेटा माँ की तो घणीगी थोड़ी रही, या जगदम्बा जठे रेवे बटे राख थू तो जा, थारी गृहस्थी तो बचा। चाहे माँ बाप के कहने से चाहे मन से, वो माँ बाप को छोड़ करके चला जाता है। चला तो जाता है लेकिन पीछे एक बहुत बड़ा प्रश्न छोड़ के जाता है कि जिस माँ ने 9 महीने तक पेट में रख के पाला, अपने रक्त का दूध बना करके पिला करके बड़ा किया, खुद गीले में सोई लेकिन तुमको सूखे में सुलाया, जिन पिता ने फटे कपड़े पहने, कम खाया, मेहनत मजदूरी की, आपको पढ़ाया लिखाया और धंधे लगाया, अब उन बुड्ढे माँ बाप को आप पत्नी के चक्कर में छोड़ के चले जाते हो, तो प्रश्न पैदा होता है उस कुतिया के बच्चे में, उस चिड़िया के बच्चे में और इंसान के बच्चे में फर्क ही क्या है? इसलिए पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो आपके साथ साथ आपके माँ बाप की भी सेवा कर सके। आप माताएं बुरा नहीं मानो तो एक छोटी बात आपको भी कह दूं क्या? वैसे
बुरा तो लगेगा आपको बहुत, हाँ बुरा लगे तो श्याम वाले जीमणे में दो पूरी अधिक निपटाना, पर कहनी पड़ेगी बात। जो कोई स्त्री, सावधानी से सुनना, एक शब्द भी इसमें आगे पीछे छूट गया तो अर्थ समझ में नहीं आएगा। जो कोई स्त्री रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गंगा जल से स्नान करे, गाय माता को रोटी दे, गाय माता को चारा डाले, गाय माता को शुद्ध जल पिलाए, बड़ों को प्रणाम करे, मंदिर जाकर के पूजा करे, कबूतर को दाना डाले, चींटी को आटा डाले, तीर्थ यात्रा करे, गीता भागवत पढ़े, खूब कथा श्रवण करे, खूब धर्म ध्यान करे, खूब दान पुण्य भी करे, संतों को भोजन कराए, गरीबों को कपड़े बांटे, लेकिन अगर उस स्त्री ने अपने पति को उसके माँ बाप से अलग कर रखा है तो उस स्त्री को नरक में भी जगह मिलने वाली नहीं है, उसको प्रेत बन के भटकना ही पड़ेगा। ये कड़वी सच्चाई है, आप समझ लेना। फैसला आपके हाथ में है, क्या करना है। अगर आपने अपने पति को उसके माँ बाप से अलग कर रखा है तो मेरा तो निवेदन है कि आज ही घर जाओ, बोरी बिस्तर वापस समेटो और पति देव को कहो कि चलो सास ससुर के साथ ही रहूंगी, मेरे को नहीं रहना इधर उधर, या फिर सास ससुर को यहाँ ले आओ, मैं उनके बिना नहीं रहूंगी। जो कोई ब्याती हुई गाय माता की परिक्रमा करे, उसकी सगाई नहीं हो रही हो तो भी एकदम फास्ट हो जाती है और अच्छे घर में होती है। हाँ, अपने यहाँ बैठे जितने भी नौजवान हैं, जो कुंवारे हैं और शादी की तैयारी है, वो तो अपने यहाँ गौशाला है, वहाँ भर्ती हो जाओ, महीने भर के लिए एडमिशन ले लो। हाँ, अच्छी पढ़ाई के लिए हॉस्टल में एडमिशन लेते हैं, अच्छी दवाई के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, तो अच्छी लुगाई के लिए गौशाला में एडमिट होने में प्रॉब्लम क्या है। इधर कोई फीस भी लगने वाली नहीं है, गोबर उठाओ, थोड़ी सेवा करो, कोई गाय माता ब्याती दिखे तो परिक्रमा लगाओ, ताकि फिर तलाक के चक्कर में कोर्ट कचहरी की परिक्रमा नहीं लगानी पड़ेगी। नहीं तो आजकल देखने में आ रहा है साहब, शादी के 7 दिन हुए नहीं कि अदालत में एप्लीकेशन लग जाती है।